मुजफ्फरनगर के पचैंडा कला में जनता इंटर कॉलेज के सामने कृषि फार्म के मैदान पर विशाल दंगल के आखिरी दिन 5 लाख के इनाम की सबसे बड़ी कुश्ती भारत केसरी भूपेंद्र पहलवान अजनाला और भारत केसरी जस्सा पट्टी पहलवान पंजाब के बीच बराबरी पर छूटी। दरअसल शनिवार को दूसरे दिन दंगल का शुभारंभ फीता काटकर और पहलवानों के हाथ मिलवाकर सतपुरुष बाबा फूलसंदा वाले राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, अर्जुन अवार्ड विजेता जुगमेंद्र पहलवान, सीओ अनुज चौधरी, सरदार सतपाल मान ने किया। दंगल के आयोजक अर्जुन पहलवान ने पगड़ी पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। दंगल में 3 लाख के इनाम की कुश्ती बिनिया मोमीन जम्मू कश्मीर और प्रवेश पहलवान बहादुरगढ़ के बीच हुई, जिसमें प्रवेश पहलवान ने जीत हासिल की। दंगल के रेफरी मांगेराम पहलवान, यूसुफ पहलवान, जितेंद्र कोच और युधिष्ठर पहलवान रहे। संचालन नकुल चौधरी ने किया। अर्जुन पहलवान ने बताया कि 30 अक्टूबर को रागिनी कंपटीशन में प्रियंका चौधरी व कृष्ण खटाना की टीम लोगों का मनोरंजन करेगी, जबकि 31 अक्टूबर को प्रीति चौधरी झुनझुन टीम के साथ रागिनी में भाग लेंगी। दंगल में सुनील राणा, सरदार सुखदर्शन बेदी, अमित चौधरी प्रमुख, मोनिका चौधरी, ब्रिजेंद्र मुखिया, उधम सिंह, ब्रजपाल सिंह बहेड़ी, देवेंद्र प्रधान चौधरी, धर्मवीर सिंह पूर्व प्रधान, हरेंद्र पचैंडा, जयवीर सिंह सुहेल, अनुज प्रधान, छछरौली विनोद पहलवान आदि रहे।